नमस्कार, मैं अपर्णा और आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल। फतेहपुर उत्तर प्रदेश से ब्रेकिंग न्यूज। उत्तर प्रदेश की जनपद फतेहपुर के खागत तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में आज डीएम श्री इंदुमती, एसपी उदय शंकर सिंह ने संपूर्ण समाधान दिवस में अधिकारियों के साथ फरियादियों की समस्याओं को सुना। जहाँ सबसे ज्यादा मामले राजस्व संबंधित किसानों की समस्या और घरेलू हिंसा के रहे। बिजली विभाग, दिव्यांग नगर पंचायत, नाली निर्माण, साफ सफाई को लेकर संपूर्ण समाधान दिवस में 219 मामलों में 6 मामलों का मौके पर निस्तारण कराया गया और 213 मामलों पर संबंधित राजस्व अधिकारी और पुलिस फोर्स को निर्देशित करते हुए मौके पर जाकर के मामलों का निस्तारण के लिए डीएम ने निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि लगातार बढ़ रहे मामलों पर राजस्व टीम और पुलिस फोर्स अधिकारी गंभीरता लाएं, राजस्व टीम और पुलिस फोर्स टीम बना करके मौके पर निस्तारण करें। वही क्रय केंद्र में धान की तौल को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों पर गंभीरता लाकर किसानों के धान तौल को प्राथमिकता दी जाए। आप लोगों को बताते चले कि खाका कस्बे के खुशनूर रहमान ने शिकायत की कि मेरी हाईवे किनारे की जमीन है जिसमें अन्य लोगों ने कब्जा कर रखा है और बिजली पावर हाउस के बगल के निवासी अजय सिंह यादव ने कहा कि भूमाफिया ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिसे कब्जा मुक्त कराया जाए। और जिला अधिकारी महोदया सी इंदुवती ने कहा कि जितने आवेदन पत्र शेष बचे हैं तो उन्हें एक सप्ताह में निस्तारित कर रिपोर्ट भेजे। आइए सुने फरियादियों की जुबानी। आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ अनिल कुमार केशरवानी की कवरेज। फिंगर तो लगवा लेंगे, फिंगर लगवाने के बाद जो है ना, आ जाओ कल लाओ, जितने का राशन नहीं उतना टाइम तोड़वा देता है, फिर पता नहीं मिलता कि नहीं, आपकी बारी मिला ही नहीं है। कौन सी ग्राम सभा से? खेवकरी ग्राम सभा, कई बारी हो गया। कौन कोटेदार है? कोटेदार सोम सिंह। सोम सिंह, और इसके पहले एप्लीकेशन दिया? एप्लीकेशन नहीं दिए अभी तक, तो पहली बार ही एप्लीकेशन दिए है। जब परेशान हो गए तब एप्लीकेशन दिए। कितने लोग आए होंगे? 25 आदमी है। कहाँ से आप आए हैं? मानापुर। मानापुर कौन सा थाना लगता है? हदगाम थाना। हदगाम। आप के परिवार में कौन कौन लोग हैं? हम हैं, माता जी हैं, भाई है, क्या नाम, दो बेटी हैं, वाइफ है, बच्चा है, पिताजी हैं। जैसा कि अभी आप एप्लीकेशन दिए हैं तो कितने लोग विकलांग हैं? पाँच लोग। पाँच लोग जी। किसी का प्रमाण पत्र बना है? हमारे पास है। पांच लोगों में हमारे पास है, हमारे वाइफ के पास है 100%। जी जी, और किसी के पास नहीं? नहीं। और डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब ने आश्वासन दे दिया है जी कि आपका जो काम है वो कार्य कर दिया जाएगा। जी जी।